सर ये कैसे पैसेंजर वाली बातें कर रहे हैं सर आप? सही कह रहा हूं मैं, इन्हें पहचानते हैं आप? अरे हाँ बिल्कुल पहचानता हूँ इस लंगूर को, कल ही 500 रुपए का चलान बनाया था इसका मैंने। सर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, ये फिर से चलान बनाऊं क्या तेरा? हाँ फिर पकड़ा गया ना ये? पकड़ा ये नहीं गया है, पकड़े आप गए हैं इनका चालान बनाते हुए। बड़े साहब की मिसेज के गांव के पंडित की भैंस को चारा देता है ये। क्या साहब की मिसेज के गांव के पंडित की भैंस को चारा देता है ये? ओहो बड़े क्लोज रिलेशनशिप लगता है। शट अप। चालान काटने के पहले आदमी के बारे में पता कर लो कि वो कौन है क्या है। क्या बात कर रहे हैं सर, इसका चालान काटने से पहले क्या मैं साहब की मिसेज के गांव के पंडित की भैंस को जाके पूछता कि भैंस दीदी क्या ये भाई साहब आपको टाइम पर चारा देते हैं या नहीं? शट अप। आजकल आपकी जुबान ज्यादा चलने लगी है। सॉरी सर। अपना टारगेट पूरा करने के लिए आप किसी का भी चालान नहीं काट सकते, सुधर जाओ। लेकिन सर चालान तो अब कट चुका है, अब क्या कर सकते हैं? चालान कटा है, आपकी जेब नहीं कटी है। मतलब? इनके पैसे इन्हें वापस लौटा दो। लेकिन सर मैंने कहा इनके पैसे वापस लौटा दो। सर मेरी बात तो। शट अप। इनके पैसे वापस लौटा दो। और हाँ आइंदा बॉस की बीवी की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ जाती है। आइए आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। भैंस से नफरत हो गई है मुझे, आज के बाद सिर्फ गाय का दूध पीऊंगा मैं। हाँ आपको क्या लगता है घोटक बाबू, मैं ऐसे ही हवा में चालान भरकर सरकार को पैसे भरता हूँ? यहाँ हर दूसरा आदमी किसी बड़े नेता का रिश्तेदार है या किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार है। यही तो दुर्भाग्य की बात है इस देश की गुप्ता जी, चाहते हुए भी कोई भी इंसान ईमानदारी से काम नहीं कर सकता इस देश में। बाकी देशों में जाकर देखिए गुप्ता जी, ईमानदारी से काम करने पे पैसे अलग से मिलते हैं, नाम होता है, इज्जत बनती है। यार कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इस देश को छोड़कर ना विदेश में सेटल हो जाऊं। कल जाते हैं आज चले जाइए, लेकिन विदेश जाना इतना आसान नहीं है, वहां कोई अपना साथ देने वाला चाहिए, कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए। ये मेरा ममेरा भाई है, 20 साल पहले अमेरिका चला गया था। उसने पता नहीं अपने कितने रिश्तेदारों को अमेरिका बुलवा कर वहाँ अच्छी तरह से सेटल कर दिया है। विदेश में एक बार बस थोड़ा कोई सपोर्ट कर दे, फिर देखिए करोड़पति तो क्या अरबपति बनते देर नहीं लगी। 20 साल पहले जो यहाँ छोटा मोटा कबाड़िया था वहाँ जाके अरबपति कबाड़िया बन गया, अरबपति। घोटक बाबू कहाँ खो गए? कोई विदेशी मिल जाए तो फंसा लीजिएगा और हो सके तो अपना भी चक्कर चला दीजिएगा, हैं? अरे चालान काटना है, चलता हूं मैं, क्या करूं? ये गुप्ता जी तो राजधानी सुपरफास्ट की तरह सुपर बात करके चले गए। अगर बाबूजी के ममेरे भाई अपने मोहल्ले के दो लोगों को अमेरिका ले जाकर सेटल कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं लेकर जाएंगे? अरे मैं तो कहता हूं कि मुझे तो गोद लेकर जाएंगे। बस अब ये देखना है क्यों नहीं इंप्रेस कैसे किया जाए। फिर देखना घोटक केसरी नारायण, तुम न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी के बीच दौड़ रही हावड़ा में टिकट चेक करते हुए नजर आओगे, है घोट के नारा। साहब आपको शर्म नहीं आती भरे बुढ़ापे में इस तरह से विदाउट टिकट सफर करते हुए? अरे मतलब अंडे चुराते हुए। ओए काके ऑलमोस्ट लगभग गल गलत है, मैं कोई अंडे से एग नहीं चुराए, वो अंडे तो खुद उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने खुद दिए? अच्छा तो फिर वो लोग हावड़ा की तरह आपको पकड़ने क्यों भाग रहे थे? ओ काके गल ये है, आओ मेरे साथ। मैं गल दस्यो, वो पता गल की है, और मैं उन अंडे वालों को ना अपनी जवानी के किस्से सुनाता हूँ। और मेरे किस्से सुन सुन के वो लोग ऑलमोस्ट लाख बात तंग हो जाते हैं,
और मुझ पर अंडे फेंकते हैं। अब प्रॉब्लम ते परेशानी की गल ये है कि ये अंडे मुझ पर टूटते ही नहीं है। टूटते नहीं है मतलब क्या? मुर्गी उबले हुए अंडे दे रही है जो टूटते नहीं है काके? और जब कोई अंडा सड़ी बॉडी पे पड़ता है तो हिट करता है ना, तो सबसे पहले स्पंज से टकराता है। ए, देखो स्पंज, ए, पढ़ो। ओ तो टकराता है तो मैं अंडे कैच कर लेता हूँ। काके फेंकने वालों को तो अंडे फेंक नहीं थे ना, लेकिन मैंने बचा लिए। इसलिए वो लोग तंग आ गए, चिढ़ गए। कोई नई बात नहीं है खुराना साहब, कमाल का तरीका ढूंढा है आपने रोज अंडे कमाने का, लेकिन ये सब सीखा कहाँ से आपने? ओ काके अमेरिका में सीखा। हाँ, अरे वहाँ पैसे थे डॉलर बचाने के लिए, ऐसे बहुत से तरीके ऑलमोस्ट लगभग इस्तेमाल करते थे। क्या आप अमेरिका में थे? ओ काके, ओ मैं अमेरिका में ऑलमोस्ट लगभग 4 साल तक था। ओ लाइफ ते जिंदगी अमेरिका ते लास वेगास, लास वेगास ते न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ते फॉरेन विची है। आप अमेरिका कैसे पहुंचे? क्या आपके कोई को पैसेंजर है? अरे मतलब कोई रिश्तेदार है क्या वहां पे? ओ नहीं यार, एक फार ते दूर के रिलेटिव्स सटे पिंड में आए सी। अच्छा, मैं उनकी इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा की थी कि वो मेरी सेवा से ऑलमोस्ट लाख भाग खुश होके, इम्प्रेस होके मुझे अमेरिका ले गए। फिर क्या हुआ? ओ फिर किया, ओ फिर डॉलर से डॉलर, ओ दौलत से दौलत, ओ वाहू वाहू, ए वाहू वाहू, ए बल्ले बल्ले, ए बल्ले बल्ले, ए शाबाश शाबाश, ए बल्ले बल्ले। एक मिनट खुराना साहब, एक मिनट, एक मिनट, एक बात बताइए खुराना साहब, आप वहाँ अमेरिका में डॉलर्स में कमाते थे, तो फिर यहाँ इंडिया वापस क्यों आ गए? और यहाँ आने के बाद ये अंडे जैसे काम क्यों? ओ की करने काके, सड़ी किस्मत ही खराब है, वो सबका बैडलक अच्छा नहीं होता जी। अच्छा, वो मेरी बहन है ना, और मेरी जीजा जी चोपड़ा जी, वो उनका वास्ता देकर मैंने ऐसे बुला लिया, सब गड़बड़ हो गया सी। खुराना साहब, ये अमेरिका वालों को इम्प्रेस करने के लिए कोई टिप्स दे सकते हैं मुझे? और कुछ टिप्स और बहुत कुछ टिप्स दे सकते हैं जी। थैंक यू और तुझे सुनना जान दे। हाँ हाँ, अभी नोट करो। तो बताइए ये अमेरिका वालों को पटाते कैसे? Thank you. ओ गल तो सुनो, ओ कोटकपुरा, ओ कोटकपुरा बात तो सुनो। ओए लगता है ए अमेरिका जाने की जुगाड़ सेट करके ही रहेगा। ओ कोई गल नहीं। हाँ, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर मच्छरों से लगता है, इसलिए ये मॉस्किटो स्प्रे। अगर उन्हें कहीं भी बदबू आए तो वहां एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। अंग्रेज लोग हाथ धोते नहीं है, पोंछते हैं, तो ये टिश्यू पेपर। और खाना चाहे कैसा भी खाए लेकिन पिएंगे सिर्फ फ्रेश मिनरल वाटर। सारा सामान आ गया। अरे वाह घोटक केसरी नारायण, वाह शाबाश। घोटक केसरी नारायण बहुत लंबा नाम हो गया ना, मैं चाचा जी की तरह इसे शॉर्ट कर देता हूँ। तोल के भाव गोमुख ने क्या कहा था, घोट के नारा, ये भी बहुत लंबा है, शॉर्ट कर देता हूं घोटू। हाँ ये सही है। हेलो अंकल, घोटू, घोटू हियर। घोटू? ये घोटू कौन है? अरे घोटू को छोड़ो ना कोलू। अभी कोलू कौन है? कोलू मतलब कोयल, कोयल, कोयल। ये देखो, ये देखो,
ये क्या सामान लाया हूँ, ये देखो। क्या लाए हो, क्या लाओगे, शाम की करारी चाय चाय चाय। ओफो, कितनी बार का है, कुल्लड़ में दिया करो। अबे छोड़ो, पी लो ना, बाद में पीऊंगा। वैसे ये बताओ कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाए कहाँ से हो? एसी फर्स्ट क्लास के डिब्बे से। तुम्हें तो पता ही है ना कि ये सारी चीजें वहाँ फ्री में मिलती है, है? हाँ, रेलवे का माल है वो तो दिख रहा है, पर ये सारी अतरंगी चीजें क्यों लाए हो? अंकल जी के लिए लाया हूँ, अंकल जी के लिए। अंकल जी? तोल के भाव अंकल जी, चाचा जी अपने। तो ये बोलो ना, चाचा जी। हाँ कोयल, जब तक ये सारी चीजें ना हो ना, अंग्रेज लोग चैन से नहीं बैठ पाते। वो तो ठीक है, पर ये सारी चीजें हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? क्योंकि अंकल जी हमारे कमरे में रहेंगे। और हम कहाँ रहेंगे? बाहर आंगन में। बाहर अंकल आ रहे हैं या किंग अंकल? ओफो कोयल, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, बाबूजी के पढ़ाए हुए पाठ भूल जाती हूँ। अतिथि देवो भव। हाँ ठीक है, वो मान लिया, हम दोनों बाहर सो जाएंगे। लेकिन सुनो, चीटी और गिल्लू यहाँ अंकल के साथ सोएंगे। ओफो कोयल, तुम भी क्या एक रिटायर्ड फ्रस्ट्रेटेड टीसी की तरह बात कर रही हो? अंग्रेजों को भीड़ पसंद नहीं। भीड़ कहाँ है, बस दो ही तो है। अरे दो है लेकिन डबल इंजिन से ज्यादा शोर करते हैं। देखो कोयल, हमारी सारी फैमिली बाहर खुली हवा में सोएगी। क्या है कि गर्मी के सीजन में बाहर सोने का मजा ही कुछ और है। कोयल, अब तुम थोड़ी देर बाहर चली जाओ ना, मुझे अंकल जी के लिए रूम सजाना है। प्लीज प्लीज जाओ ना। प्लीज 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 प्लीज। हाँ जा रही हूँ। बाय 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 बाय। वेलकम अंकल। कल अंकल आएंगे सुबह, फ्लाइट से लैंड करेंगे। दस बजने वाले हैं बेटा, टोलू आने वाला होगा। बेटा सारी तैयारी हो चुकी है ना? बाबूजी टेंशन मत लीजिए, चाचा जी को एक बार आने तो दीजिए। हाँ बाबूजी, धूम मचा देंगे, रंग जमा देंगे। ये घोटक नहीं नजर आ रहा है। आर आर, I'm here. ये कौन लंगूर मयूरी के घर में घुसा रहा है? मयूरी वो लंगूर नहीं है, घोड़ा है, मतलब घोटक भैया है। टॉट 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 टॉट। चीची। हाँ देखो तो। Tension is tight. This is घोटक भैया। राइट राइट ब्रो। आप एक कंबल कीड़े की तरह बाल खड़े करके क्यों घूम रहे हैं? कंबल कीड़ा नहीं दीदी, वो होता है ना जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, वो जानवर, शाही जानवर। गॉड, उसको तो नाक भी नहीं डस सकता। भैया आज आप कंघी करना भूल गए, लेकर आए। अबे मेंढक प्रसाद, ये एसी ट्रेन है, फुल एसी ट्रेन, तू नहीं समझेगा। और ना ही तुम लोग। और बेटा तू अमेरिका जा रहा है या कोई अमेरिका से आने वाला है, ये तो बता। डैड, ये सब तोलू अंकल को इंप्रेस करने के लिए है। नहीं, तोलू अंकल को भी लगना चाहिए ना कि हम इंडियंस अब काफी मॉडर्न हो चुके हैं। मैं अमेरिकन की तरह घूमता रहूंगा तो उन्हें अपने देश की याद नहीं आएगी ना, यू नो दैट्स द रीजन। हरिओम हरिओम। अरे बाबूजी प्रणाम। टोलू 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 टोलू।
अरे मेरा केसू। गुड गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डांस और वजनदार गाना था। सुन रहा है ना तू? सुन रहा है ना तू? पहले ये बता भैया कि इस जमाने में तार कौन भेजता है? अच्छा वो भी बिल्कुल जरा सा दो लाइनों वाला। सुन रहा है ना तू? आ रहा हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तू मुझे पहचान पाता है या नहीं। भाई लेकिन मान गए, ये मेरा केसू है जो किसी को नहीं भूलता। और तोलू तुझे तो वैसे भी कभी नहीं भूल सकता मैं। हाँ पता है सारी क्लास में सबसे ज्यादा गोरा चिट्टा अंग्रेज दिखने वाला यही था। और सारी लड़कियां इसी को देखती रहती थी। मैं चुपचाप कोने में खड़ा रहकर सबको देखता रहता। बाबूजी हमसे भी मिलवाइए ना। डॉट 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 डॉट। अरे बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा सुन, मैं तुझे अपने परिवार से मिलवाता हूँ। ये है मेरा बीच वाला बेटा गोमुख। हरिओम अंकल। जीते रहो बेटे। और भैया ये है मेरी बड़ी बहू कोयल। ये इसके बाद वाली बहू मयूरी। हरिओम चाचा जी। और ये नागिन। और ये कपी। वहीं से वहीं से। वो गज, वो गिल्लू, वो चींटी। और ये मेंढक। और ये नथिंग न्यू अंकल, मतलब कोई नई बात नहीं है। माई सेल्फ घोटू। घोटू घोटू घोटू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.